ओके, अगर आपने फैट लॉस करना है तो क्या आप दूध पी सकते हो? देखिए, इस बात का आंसर आपको समझ में आए उसके लिए जरूरी बात यह है, आप अवेयर होने चाहिए कि आपकी डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट कितनी है, डेली आप कितना कोटा है आपके पास, उसके अंदर रह रह के आप कुछ भी खा सकते हो। लेकिन मना इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ चीज़ें खाने वाली ऐसी होती हैं जिनको अगर आप खाते हो तो बहुत सारी कैलोरीज बहुत आसानी से आप खा सकते हो। इसलिए चीज़ों को सिंपल रखने के लिए और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करने के लिए बोल दिया जाता है कि जो चीज़ें जिनके द्वारा आप बहुत सारी कैलोरीज एक साथ खा सकते हो, पी सकते हो, वो चीज़ें आप ना खाओ, और जो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा खा भी लो तो भी आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम ना करो, जैसे कि सब्जियां, वो ज़्यादा आपको रेकमेंड किया जाता है। तो इसके पीछे रीज़न ये है, अगर आप अवेयर हो आपकी कैलोरी लिमिट के बारे में तो आप दूध भी पी सकते हो, कुछ भी पी सकते हो उस कैलोरी लिमिट के अंदर रहते हुए। अगर आपको नहीं पता है तो सिंपल सी बात है कि जो चीज़ें आप बहुत आसानी से बहुत सारी कैलोरीज ले सकते हो जिनके द्वारा, वो आप बहुत ज़्यादा मत खाओ।